आम आदमी पार्टी प्रत्याशी भरत सिंह ने कहा कि आम आदमी ने जो बोला है वह किया है, जैसे दिल्ली में विकास कार्य किया है वैसे उत्तराखंड में विकास कार्य करेगी। देखिए सहजपुर विधानसभा से जन खबर की एक खास रिपोर्ट। अक्सर देखा जाता है कि कई जगह बार जितनी भी पार्टी होती है घोषणा पत्र तो बना देती है लंबा चौड़ा, मगर उस पर जब सरकार बनती है तो वो जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा होता है। घोषणा पत्र तो मेरे ख्याल से 20 साल से बन रहे हैं उत्तराखंड में, 20 साल से वही घोषणा पत्र है, थोड़ा बहुत फेरबदल होता है, काम कुछ नहीं हो रहा धरातल पे। और आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करती है, और दिल्ली में हमने जो बोला है वो किया है, और उत्तराखंड में भी आने वाले टाइम पे हम वही काम करने वाले हैं दिल्ली के तर्ज पे। सारी मूलभूत सुविधाएं हमारी घोषणा पत्र में है, और 5 साल तक ही आपको 5 साल के अंदर अंदर ये पूरी मिलेगी सारी। 5 साल बाद दोबारा ये घोषणा पत्र नहीं होगा हमारा, कुछ अलग होगा, क्योंकि हम बीजेपी कांग्रेस के तरह हम भी झूठ बोलने लगे तो आम आदमी पार्टी का कोई वो नहीं है। ये तो आम जनता और जनता सब समझ चुकी है। इस बार 14 तारीख का दिन देखो आप, रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये जनता ने मन बना रखा है, लोग महंगाई से तरसते, हर चीज से तरसते, और मूलभूत सुविधाएं उत्तराखंड में बिल्कुल धाराशाही हो चुकी है, कुछ भी नहीं है। 70,000 करोड़ में उत्तराखंड है घाटे में, कर्जे में डूबा हुआ है। इसको केवल उभार सकते तो आम आदमी पार्टी उभार सकती है, और लोगों तक ये मूलभूत सुविधाएं पहुंचा सकते तो आम आदमी पार्टी पहुंचा सकती है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ है सहजपुर में कितना काम आएगा, क्योंकि इसमें तो आपने गैरसैंण की स्थायी राजधानी, चलिए मान लेते हैं कि 2-3 तो ठीक है, बिजली पानी का ठीक है, बाकी सब आप जो घोषणा पत्र में सहजपुर क्या है? सहजपुर में ऐसा है, सहजपुर में हर विधानसभा का हमारा मैनिफेस्टो अलग बनना है, हर विधानसभा का। 70 विधानसभा है तो 70 विधानसभा की अलग अलग समस्याएं हैं। हाँ, मैंने भी इसीलिए पूछा क्योंकि दिल्ली के चुनाव में मैंने देखा है कि हर विधानसभा के वाइज बनाया गया था, यहाँ पर अभी इसमें लेट, अभी हमारा लेट नहीं हुआ, ये हम इसको लेट नहीं बोलते हैं, अभी हमारे 2-3 दिन में भी क्लियर हो जाएगा कि मेरी विधानसभा के अंदर क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हमें चाहिए, बिजली पानी स्वास्थ्य, हमारे यहाँ स्कूल इंटर कॉलेज जैसी मूलभूत सुविधाएं, हमारी सहजपुर विधानसभा में जो अच्छे इंटर कॉलेज हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, सब चीज जो है हमारा मैनिफेस्टो बनने वाला, कूड़ादान से लेकर और सेलाकुई में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनका शोषण हो रहा है, हर चीज से लेकर हमारी पूरी चीजें आपको 1-2 दिन में मैं क्लियर करके बता दूंगा कि ये हमारी आपके सहजपुर विधानसभा में कांग्रेसी नेता, उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी ने भी संस्कृति विश्वविद्यालय की बात करी, इस पे आपका क्या कहना? भाई साहब मेरे तो एक ही बात कहना, मैं तो थक गया हूँ तब से सुन सुन के कि हर मीडिया वाले आते हैं कि उन्होंने ये बात बोली, भैया उन्होंने बोली है वो थे ना कुछ कि हमने इतना अच्छा स्कूल बना दिया या अच्छा हॉस्पिटल बना दिया, वो कुछ नहीं है, वो जुमलाबाज है और बोलते रहते हैं। ये तुष्टिकरण की राजनीति तो है, आप चाह रहे हो कि अब 10 दिन इलेक्शन के लिए बचे तो ऐसा बम फाड़ दें कुछ कि जिससे जो है, भाई साहब कोई इनकी सुनने वाला नहीं है, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, कोई भी लोग सुनने वाले नहीं है। आने वाले टाइम पे आप देख लेना इनके बुरी हालत ऐसी फजीत होने वाली की अच्छी खासी, आम जनता बिल्कुल, जो हमारी ये बहन घर घर जा रहे हैं, भाई घर घर जा रहे हैं, इनको पता है कि क्या स्थिति होने वाली है सहजपुर विधानसभा क्या। मैं तो ये कह रहा हूँ 70 के 70 विधानसभा में झाड़ू ना लग जाए। जो लोग कह रहे हैं ना कि 4 सीटें 5 सीटें 10 सीटें, ये भाई साहब आंकड़ा अभी आप बता नहीं सकते कि कहाँ तक पहुंचेगा। हर जनमानस के अंदर में आज के डेट में कर्नल कोटियाल बसा हुआ है कि कर्नल कोटियाल जैसा सीएम और अरविंद जैसे मुख्यमंत्री की हमें जरूरत है आज उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड जो है डूब चुका है, कर्जे में चल रहा है, और लोगों को जो है भूखे मरने की नौबत आ गई है। महंगाई इतनी है कि कुछ बोल नहीं सकते कि कितनी क्या हालत है। आपके सामने है सब कुछ, आप भी जूझ रहे हो उससे, मीडिया कर्मी कौन सा बचा हुआ है उससे। आप यहाँ आए होंगे तो यहाँ 500 रुपए का तेल आपका अभी पता नहीं लगा होगा कि कहाँ जाने वाला है, 500 का तेल पहले 4 दिन चलता था। तो आदमी हर चीज से तरसते हैं, जनता सब समझ रही है कि आम आदमी कहीं आएगा तो रात मिलेगी, क्योंकि जो कल मैं एक जगह जा रहा था तो मैं उस नेता का नाम नहीं लूंगा, मैं एक अपनी छोटी सी गाड़ी में था, मेरे साथ 4 लोग थे, उसके पीछे एक गाड़ी में अकेला था और उसके पीछे 10 गाड़ियां थी,
तो क्या इनका इनका पैसा है क्या वो जो ये फूक रहे आज, ये जनता को बर्बाद करने के लिए आ रहे और जनता इनको मौका दे दें तो ये जनता को भाई साहब 5 साल तक दिखेंगे नहीं, ये जनता को बर्बाद करके रख देंगे। जो ये अभी दारू मुर्गे बांट रहे और पैसे बांट रहे, ये कोई ऐसे तो नहीं बांट रहे, ये जनता का शोषण तो करेंगे। तो जनता सब समझ चुके हैं, जनता इनका खाएगी भी अच्छे ढंग से और इनके ऊपर झाड़ू भी चलाएगी बढ़िया करके।